Hey there guys, welcome to my channel. If you are not subscribed to my channel, to subscribe karna bilkul bhi mat bhuliyega. To ab hum chalte hain ingredients ki taraf. Ingredients mein mere paas yahan sabse pehle pani hai as required, jitna bhi hum use kar sakein ya jitna use ho. मैदा एक कप, तेल दो टेबलस्पून, नमक आधा टीस्पून. तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे डो के लिए हैं. अब हम अपना डो बनाएंगे. सबसे पहले हम अपना मैदा जो है उसे छान लेंगे, बिकॉज़ हमें बहुत फाइन डो बनाना है. तो छानते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अच्छे से इसे छान लें और उसके बाद बहुत फाइन डो बन जाएगा. अब हम इसमें नमक डाल रहे हैं और नमक के साथ ही हम इसमें तेल डाल रहे हैं. उसके बाद हम हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. हमें चाहिए कि ऑयल जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए. जब ऑयल अच्छे से मिक्स हो गया तो उसके बाद हम पानी से इसका डो बनाएंगे. पर आपने ध्यान रखना है कि आप डो जो है अपना हार्ड बनाएंगे. तो यहाँ हमारा डो जो है वो रेडी हो चुका है, हार्ड है ये काफ़ी. अब हम अपने डो को ग्रीस कर लेंगे. डो को ग्रीस करने के बाद इसको कवर करके आप तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे. उसके बाद हम अपना मिक्सचर बनाते हैं. यहाँ मेरे पास बॉइल्ड और ग्रेटेड पोटैटोज़ हैं 3. प्याज यहाँ मैंने एक छोटा लिया है जिसको मैंने बहुत अच्छे से चॉप कर लिया है, फाइन चॉप्ड है ये. यहाँ मेरे पास मैदा है 3 टेबलस्पून, अदरक है यहाँ पर मेरे पास ग्रेट हुआ हुआ 1 टीस्पून, और हरी मिर्चें मैंने यहाँ 2 ली हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है. मसालों में मेरे पास भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून है, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च आधा टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून और लाल मिर्च का पाउडर आधा टीस्पून. अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे मिक्सचर के लिए हैं. अब हम अपने पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल को गरम कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें प्याज डालकर प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे. तकरीबन 1 मिनट तक हम प्याज को फ्राई करेंगे. थोड़े से प्याज पक जाएं, ट्रांसपेरेंट से हो जाएं. उसके बाद जब प्याज हो जाएंगे तो अब हम अपना अदरक और मिर्ची डालकर इसे हिला लेंगे. तो यह हमने इसे अच्छे से हिला लिया. उसके बाद हम अपने मसाले डालकर तकरीबन 1 मिनट तक इसको भी फ्राई कर लेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो भी थोड़े से पक जाएं. जब ये मिक्सचर से रेडी हो गया है तो इस मोमेंट पर अब हम अपना आलू डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे. ध्यान रखिएगा कि बहुत अच्छे से मिक्स करना है. यहाँ हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, देख सकते हैं आप इस तरह का दिख रहा है. अब हम इसे ठंडा होने छोड़ देंगे. दूसरी तरफ यहाँ जो मैदा था मेरे पास उसको मैं पानी में डालकर इसका एक पतला सा मिक्सचर बनाऊंगी. ध्यान रखना है कि गिल्टियाँ ना हो, इसलिए मैं विस्कर से जो है विस्क से इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि कोई भी गिल्टियाँ नहीं रहें. थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इसे एक पेस्ट बना लेंगे, पर इट शुड बी रनी इनफ. तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा और पानी डाला है मैंने और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ. देख सकते हैं पतला है ये काफ़ी. अब हमारा डो जो है वो हम लेंगे और उसको आप पार्टीशन कर लें. आपको जितना बनाना है आप उस हिसाब से कर लें. यहाँ मैंने इसको 2 टाइम्स पार्ट किया और एक हिस्से को लेकर अब हम इस हिस्से को बेल लेंगे. आपने इसको बहुत पतला बेलना है, आपने ध्यान रखना है मोटा नहीं रखना है, इसको पतला बेलना है. और क्योंकि ये हार्ड है
तो ये पतला आराम से बेलना भी जाएगा आपसे। तो ये आप देख सकते हैं, हमने इसे पतला बेल लिया है। अब जब हमने इसे पतला बेल लिया तो अब हम अपना मिक्सचर जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। जो हमारा आलू वाला मिक्सचर था वो हमने इसमें ऐड किया और अब हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे चारों साइड्स पे। और इसको ज़्यादा इवन करने के लिए मैंने इस तरह एक दफ़ा अपना रोलिंग पिन भी इस पर घुमा दिया ताकि ये ज़्यादा फ्लैटन हो जाए। और उसके बाद जो हमारा मैदे वाला मिक्सचर था वो हम एक कॉर्नर पर थोड़ा सा देख सकते हैं आप इस तरह लगाएंगे। इसको लगाने का मकसद ये है कि ये यहाँ पर हमारा ग्लू की तरह एक्ट करेगा। तो ये हमने लगा कर अब हम इसे रोल करेंगे। रोल आपने पतला पतला इसको रोल करना है। आखिर पे जाके ये खुद ही जुड़ जाएगा उस मैदे वाले मिक्सचर की वजह से। तो ये आप देख सकते हैं हमने इसे रोल कर लिया और आखिर में जाके ये जुड़ गया। उसके बाद अब हमारे जो कॉर्नर्स हैं हमने उन्हें भी सील करना है। तो यहाँ आप अपने कॉर्नर्स पे भी थोड़ा सा मिक्सचर लगा कर उसको सील कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ करके भी दिखा रही हूँ। आप इस तरह से अपने कॉर्नर्स को सील कर देंगे तो अब हमारा मिक्सचर जो है वो हमारे डो में पैक्ड है। अब हम इसे छोटे छोटे थिन थिन स्लाइसेस जो हैं वो कट करेंगे। ऑल द वे टू द एंड हम इसे कट करेंगे। ये वाले स्नैक्स बहुत अच्छे लगते हैं, खाते हैं आप लोग तो चाय के साथ, और मेहमान आए हो तो आप बना के खिलाएं, इफ्तार में ट्राई करें, इट्स जस्ट रियली गुड। यहाँ हमारे पास कबाब की शेप में अब हम इसे टर्न करेंगे। हमने एक एक को उठाकर इसे फ्लैटन करेंगे और इस तरह से शेप्स बना लेंगे। तो इसी तरह मैंने ये सारे जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको अपने मैदे वाले उसी मिक्सचर में डिप करेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। डिप करने से ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और बहुत अच्छा लगेगा। हल्की आंच पे गरम तेल में हम इसे फ्राई करेंगे। इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिकॉज़ इस तरह की चीज़ें हर बंदा, हर एज का बंदा खाना पसंद करता है। और जिस तरह आप नॉर्मल डीप फ्राई करते हैं आप उस तरह इसको फ्राई कर लें। यही गोल्डन ब्राउन सा कलर आप इसको दें अच्छा सा और इसे निकाल लें। ये बहुत इजी सा स्नैक था, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने बस इसी तरह से आराम से बना लेना है, इसको एंजॉय करना है। Don't forget to like, share and subscribe.